वक्त हम मौजूद हैं शयान 11 की क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी सीज़न 2023-2024, जो कि नसीम कैप्टन जो उस टीम के हमारे साथ मौजूद हैं अभी, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी नसीम, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। जी अमर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं साहब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारी इस तकरीब में शिरकत की। इन लोगों ने APC के एक्सकॉम का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बाद हमारे स्पॉन्सर का बहुत शुक्रिया, जिनके बगैर ये तकरीब नहीं हो सकती। और जो भी क्रिकेट है या जो भी स्पोर्ट्स होती है उसके लिए स्पॉन्सर का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत बेहद मशहूर हूँ कि वो अपने कीमती वक्त से टाइम भी निकालते हैं और हम हमारे ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम इंशाल्लाह आने वाले सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आज जो क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सर्मी है, क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सर्मी होगी और उसके बाद हम प्राइज सर्मी भी कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया था उनके लिए परफॉर्मेंस अवार्ड भी है। चलें माशाल्लाह, यानी कि दफा फिर जी पूरी तैयारी है अगली ट्रॉफियां उठाने की। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर आपने हर फॉर्मेट में ट्रॉफी ली है, माशाल्लाह से अल्लाह आपको और आगे भी इस तरह कामयाबियां दिलाए। तो नसीम, यानी कि तमाम टीम प्लेयर्स को इस दफ़ा नया एडिशन आपकी टीम में 2023-2024 में इस सीज़न में। अमर भाई, हमारे इस साल में कोई भी नया प्लेयर नहीं है सवाए एक राजा हमजा जो हमारी टीम में नया एडिशन होगा। बाकी सब हमारे साथ जो लास्ट जितने लड़के खेल रहे थे वही हमारा स्क्वाड है, हमने कोई स्क्वाड चेंज नहीं किया। अच्छा अच्छा, हमारा स्क्वाड होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने पार्टी यहाँ सेट की है, इंजॉय योर पार्टी और बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, इसी तरह आप ट्रॉफियाँ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया नसीम, पार्टी को इन्जॉय करते हैं, थैंक यू। और आज हम अपनी तकरीब का आगाज करेंगे खिलाफ करने पाक से, इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा बदर को, हाफिज बदर आएंगे स्टेज पे खिलाफ के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। तो जिस तरह तकरीब का आगाज कर चुका है तलावत करने पाक से, तो मैं अपनी तकरीब का आगाज़ करूँगा अपने APC के प्रेसिडेंट फरज साहब को अपने ख्याल का इजहार के लिए दावत दूंगा, वो स्टेज पर आकर अपने ख्याल का इजहार करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शायान क्रिकेट क्लब, जिसका नाम ही शायान है, उनकी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज पूरी कमेटी को इज्जत बख्शी और अपने इस फंक्शन में इनवाइट किया, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इस टीम के बारे में कि इस टीम के सब्र और हौसले की दाद दूंगा कि जिस तरह आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, जिस तरह आपके आफ्ताब भाई पहले टीम चलाते थे, फिर उनको कुछ इशू हुई, उनकी लेग इंजरी हुई, फिर उसके बाद नसीम ने और इसके जो पूरी टीम ने अपनी इस टीम को शायान 11 को आज इस मुकाम तक लेके आए हैं, उसके लिए मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और यही चीज़
इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में आने जो आप दूसरे टूर्नामेंट में आने वाले टूर्नामेंट हैं इसमें आफ्ताब भाई भी वापस आ गया और इंशाल्लाह जो जो जितने भी स्पॉन्सर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टीम को आप सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो टूर्नामेंट आपने सब जीते हैं, मेन लीग जीती आपने, T20, T10, उसके लिए क्योंकि ये एक टीम की यूनिटी और पूरी एफर्ट्स हैं और प्लस आपके उसके लिए जो आपके कैप्टन नसीम हैं उनकी एफर्ट है, उनकी लीडरशिप है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह जो आने वाले टूर्नामेंट है T20 है, मेन लीग है, फ्लड लाइट टूर्नामेंट है और इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और डिसिप्लिन के साथ आप खेलते रहे और अपना अपने कैप्टन को पूरी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो इस तरह जो सफ़र का फल जो मैं कहा जो जो सफ़र है दो तीन साल का उसके उसका सफ़र का फल आपको ये मिला है कि आपने सारे टूर्नामेंट जीते हैं तो आने वाले वक्त में भी इसी यूनिटी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें। EPCA की पूरी सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में मैं जो आप इस साल जो मीडिया के लिए नसीम की एफर्ट है उसके साथ आमिर की जो अपनी EPCA की फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप इट अप। थैंक यू। अब मैं दावत होगा अपने टीम के CEO मलिक अफ्ताब साहब को, वो स्टेज पर आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मलिक अफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी EPCA फॉर्म का और बाकी जो जितने भी हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, अमर अशी साहब ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, ये हमें सपोर्ट भी करते हैं और खेलते भी करते हैं। बाकी जितने भी अजीज हमारे यहाँ तशरीफ आए हैं आज अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें इज्जत बख्शी। अभी फरोज साहब ने कहा कि हमने इनको इज्जत बख्शी, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए और हमें आपने हमें इज्जत बख्शी है। बाकी ये आप सब लोगों की कोशिश है, कावश है, यानी पूरी EPCA की जो आपने ये यहाँ जो इतना स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है ये आपने दिया और लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर कर रहे हैं। बाकी मेरी जो टीम है माशाल्लाह से उन्होंने ये पूरा सीज़न 40-40 T20 T10 अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे में चैम्पियन हुए हैं तो इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं खुद भी और भी बड़ा प्राउड है। स्पेशली हर टीम के पीछे जो लीडरशिप होती है उसका यानी बड़ा ही उसका रोल होता है, ठीक है, इसलिए मैं नसीम भाई को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को बनाया, क्योंकि मैं टीम छोड़ के गया था इंजरी की वजह से, उस टाइम टीम की जब ये पोजीशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी पोजीशन है वो तो बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी अभी हम प्राइम में पहुँच गए, प्राइम में भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ भी चैम्पियन हों। बाकी आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं अपने टीम शायद स्पॉन्सर हमारे ये न्यू स्पॉन्सर हैं मलिक तारिक साहब, उनको दावा दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। इनका कोई तारफ नहीं, ये मैं इनको इनका तारफ नहीं करवा सकता, ये अपना तारफ खुद आ क्योंकि माशाल्लाह से जितनी इनकी एजुकेशन है और जितना ये पूरी दुनिया में घूमते हैं और मैं इनको वेलकम करता हूँ कि हमारी टीम शायद अमन का हिस्सा हूँ। प्लीज़ पूरे जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको वेलकम करें।
आज के दिन के एतवार से मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा ध्रुव जी पढ़े लोगों से ऐलान हो सके। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी पुरवकार तकरीब है और आप सारे जो डिग्निटरीज हैं स्पेशली आई लाइक टू थैंक यू प्रोफेसर महमूद साहब और पीर साहब, ये आप जो है वो बैकबोन हैं इस सारे जो मजमा लगा हुआ है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट जो है वो अब जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं ये शयान लेवल के लिए एक माइलस्टोन तो ज़रूर है मगर मंजिल नहीं है। यहाँ से आपके सफ़र का असल में अब आगाज़ होगा। आपको अपनी बाकी की टीमों में से स्टैंड टॉल तब करेंगे जब आप क्रिकेटिंग टेक्निक्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थोड़े से हम कोशिश करेंगे कि आपको इंट्रोड्यूस करवाएँ थोड़ा स्मार्ट बैट वाले से, या आपकी जो स्मार्ट बॉल है जिससे आपके जो एनालिटिक्स निकलेंगे आप कैसे खेलते हैं, आपकी थोड़ी कोचिंग बेहतर की जाए ताकि आप देखिए। मुझे अभी फैसला साहब से बताया कि दफा साथ जो सऊदी की जो टीम थी सेकेंड रनर अप थी, नेपाल से हारे हैं वरना एशिया कप में हारे थे। अच्छा, उसमें 7 लोग जो थे वो मतलब APC के जो अंडर टीमें हैं आपकी इसमें से गए हुए थे। अब हम तो तब मानेंगे ना, और हमें तो खुशी तब होगी कि अगली दफ़ा शयान 11 में से भी 2-3 लोग जाएँ आगे। और तो हम ख्वाहिशात की तो लिमिट नहीं होती, हम तो कहते हैं कि पूरी की पूरी शयान 11 ही जाए और सऊदी की तरफ से वापस हो गया अभी इतना हर बंदे की। और क्रिकेट जो है, क्रिकेट को कोई भी गेम है स्पेशली जो क्रिकेट है ये बेसिकली एक जुनून है, ये एक जज्बे के साथ खेली जाती है। मैं जिन कंडीशंस में आप लोग खेलते हैं वैसे मैं सलाम पेश करता हूँ, आप जिन कंडीशंस के अंदर मतलब इस मौसम में गर्मी में भी दिन को शाम को इतनी ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है, बट यू स्टिल मैनेज टू प्ले, इट्स अ बिग थिंग। ये आपका ये बात जाहिर करता है कि आपके पास जुनून तो है। अगर थोड़ी सी राइट डायरेक्शन, थोड़ी कोचिंग होगी और अगर आप लेटेस्ट जो एनालिटिकल टेक्निक्स आजकल क्रिकेटिंग में यूज होती हैं अगर आप उसमें थोड़ी सी भी आपको कोचिंग मिलेगी तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो शयान 11 है, मुझे बड़ी खुशी है एक ऐसी टीम को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं जिसका यहाँ पे इस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि यार आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये जो सबसे बड़ी चीज़ होती है हिम्मत ना हारना। ये बड़ी बड़ी आप जो कप्स देखते हैं, जब आप वर्ल्ड कप देखते हैं या एशिया कप देखते हैं, वहाँ पे अक्सर जो टीमें शुरू के मैचेस आ रही होती है वो आगे नहीं जाते, उनका मोरल बूस्ट हो जाता है, वो फिर आगे बढ़ते हैं। हार जो है ना, हार अगर समझेंगे तो हार ये आपको सबक देती है कि हम ये सीखेंगे हम क्यों हारे। हार से डीमोटिवेट नहीं होती। हारने का मतलब ये है किसी ने वो टंगस्टन से कहा था कि यार आपने 1000 दफ़ा कोशिश की आपसे बल्ब नहीं बना, फेल हो गए, 1000 दफ़ा फेल हो गए। उसने कहा नहीं, मैंने 1000 और तरीके मालूम कर लिए हैं कि जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो आज सारी दुनिया में जो रोशनी है उसी बंदे की बनूंगे मिलना जाता है, क्योंकि उसने 1000 दफ़ा फेल होने के बाद ये कहा कि मुझे पता लग गया कि 1000 ये तरीके जो इनसे तो बल्ब नहीं बनेगा, वो नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो वो इकबाल कहते थे कि काफ़ी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और तुंदिये बातें मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हम जो हैं जो हमारा टीम है, टीम जज्बे से लड़ती है, टीम अपनी मेहनत से अपने जुनून से फाइट करती है। बड़ी टीम छोटी टीम में अक्सर आप देखते हैं जब ये अपसेट कर देती है बड़ी टीम, आप जैसे इंडिया की टीम को आप समझ लीजिए, वो एक ऐसी टीम से हार गई जिससे कोई बिलीव नहीं कर रहा था, मतलब उनको श्रीलंका बांग्लादेश ने हरा दिया। ये देखें ये क्या होता है, ये जुनून होता है, एक टाइम होता है जब किसी के ऊपर उम्मीद खत्म हो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो टीम जो हम इंशाल्लाह आपको स्पॉन्सर करेंगे और कोशिश करेंगे अगर आपको इक्विप करें, और मैं तो बल्कि किसी से अभी यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ और प्रेसिडेंट साहब से यही बात कर रहा था कि आप नेट प्रैक्टिस के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप नेट प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप शॉर्ट टाइम के अंदर जो जिसने बैटिंग करनी है वो बैटिंग स्किल पर फोकस करेगा, जिसने बॉलिंग करनी है वो बॉलिंग स्किल पर फोकस करेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यार इस टीम को इस तरह से स्पॉन्सर और ग्रूम करेंगे, आपको इस तरह का एज हो कि आप किसी भी बड़ी कंपनी की बड़ी स्पॉन्सर कंपनियों की जो टीम्स हैं जो उनको फैसिलिटीज़ हैं अगर उनके बराबर ना सही लेकिन उनके करीब, वो लाजमी चीज़ें आपको मिलें जिससे आपके जज्बे और जुनून के साथ मेहनत के साथ टेक्निक भी इतनी आगे आए आपकी और आपको पता चले कि हमने
एक अगर अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेल क्रिकेट कर रही है तो किस तरीके से हम बाकी टीमों के साथ मेंटल प्रेशर। आखिरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बार बार अभी हमारे जो टीम के कप्तान हैं सीम का बड़ा चक्कर हुआ, मैं ये समझता हूँ कि यार वो वापस हम तो फिर बॉल को ले आते हैं कि अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक टीम जो भी एक प्लेयर पे डिपेंड करेगी वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा, ना ही वो आप कभी, क्योंकि वन मैन शो जब चल रहे होते हैं तो उनका क्लैप्स भी होता है जब वो वन मैन नहीं होता। तो कप्तान से लेकर कोच और मैनेजर का और सारी टीम का एक प्लान एक ही होना चाहिए कि एक तो यूनिटी रखनी है और दूसरा इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हर लड़के को चाहिए कि वो कोशिश करे कि किसी ना किसी मैच में कोई ऐसी परफॉर्मेंस जरूर दे और ऐसी एफर्ट जरूर करे कि किसी एक टीम के बारे में जब 6-11 की बात हो तो ये नहीं कि यार सिर्फ एक बंदे का नाम आएगा, वो 2-4-6 बंदों का नाम लेना ही पड़ेगा, कुछ टीम में स्टार होने चाहिए। तो या आप अपनी मेहनत से सारा कुछ अचीव कर सकते हैं, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। मैं मलिक अफताब साहब को भी समझता हूँ कि उन्होंने, मैंने देखा कि उनकी जब उनको इंजरी हुई उसके बावजूद उन्होंने मुझे भी कहा कि आप आएँ, मैं मदीना शरीफ में था, मैं आया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम आपको हौसला अफजाई इस अंदाज में करना चाहते हैं कि यार ये खुश होने की जरूरत है मगर इतना भी नहीं, ये पहली मंजिल जरूर है लेकिन अभी आपने प्रीमियर ज्वाइन कर लिया। अब अगर आप अगले साल की ये लीग्स जीतेंगे तो आप जब तक प्रीमियर में नहीं जाएंगे तो आपको दूसरे सिटीज के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तब जब आप थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे ख्याल है जो अजम आज आप लेके जाएंगे वो किट्स तो आप लेके जाएंगे, अवार्ड तो लेके जाएंगे, लेकिन ये उस चीज़ का है जो आप कर चुके हैं। लेकिन आज ये आपने सोच के जाना है कि जब अगली दफ़ा आएंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा मरतबा आपको मिल सकता है और अपने जुनून को अपने जोश को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप जो है क्रिकेटिंग टेक्निक्स जो क्रिकेट के उस्ताद हैं वो जो देखिए अल्लाह ताला ने हमें यूट्यूब के मतलब है एक किस्म से मीडियम या औसत मिसाल है, इल्म का खजाना दिया है। अब आप चाहें तो यूट्यूब पे सिर्फ गाने सुनें और सिर्फ एंटरटेनमेंट यूज़ करें, लेकिन अगर आप लर्निंग के तौर पर यूज़ करें तो आपकी कोचिंग अपने कमरे में बैठे हुए बेड पर बैठे हुए अगर बॉलर को इशू आ रहा है कि मैंने मुझे ज्यादातर में या स्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो इतने कोच हैं अवेलेबल हैं जो टेक्निक्स बता रहे हैं। तो आप इस पर मेहनत करें, जितना इसको टाइम देंगे उतनी ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी और इंशाल्लाह आप उतने ही आगे जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इतनी मेहनत जरूर करें कि अगले 1 या 2 साल में इस लेवल पर एशियन 11 आ जाए कि यहाँ से कोई ना कोई टीम के कोई नहीं कोई एक दो नहीं बल्कि 2-4 मेंबर आपके सब की टीम तक सेलेक्ट होकर जाए, नेशनल टीम तक ही होनी चाहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों की आवाज़ का बहुत शुक्रिया, नेक बनाओ और दोनों के साथ आपके आज मैं दावा दूंगा अपनी लास्ट ईयर के मेंटर जो हमारी टीम को हमेशा सपोर्ट करते थे और मैंने बल्कि मुझे उन्होंने कैप्टनसी का शर्फ बख्शा अपनी टीम से और अल्हम्दुलिल्लाह ने भी मुझे मौका दिया सेंटर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक ने इज्जत दी, हम सिटी में जीते और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह एपीसी टूर्नामेंट में जीते और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनको मैं थोड़े ख्याल का इजहार करने के लिए दावत दूंगा आमिर हाशमी साहब को अपनी स्टेज पर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मैं मलिक साहब का, तारिक मलिक साहब बहुत अच्छी बातें की हैं जनाब आपने, बहुत सारी तालियां तारिक साहब के लिए जनाब, और बहुत अच्छी एक तमन्ना है आपने दी अपनी टीम को कि वो प्राइम से खेले हैं, प्राइम जीते हैं, प्रीमियर खेले हैं, प्रीमियर जीते हैं और उसके बाद नेशनल टीम खेले, तो हम लोग टेबल टेनिस की टीम बनाकर कोने में बैठ जाएंगे, सारा कुछ तो अब उन्हीं को दिया जा रहा है, हमने क्या करना है भाई साहब। और नसीम बहुत शुक्रिया, मेरा छोटा भाई की तरह है, गेम गेम मगर जो मोहब्बत ये देता है वो सच याद रहेगी। तो क्या क्या बोलूँ मैं आकर नसीम, मुझे समझ नहीं आ रहा, माशाल्लाह T20 तुम लोगों ने, T40 तुम लोगों ने, T10 तुम लोगों ने, EPCL T5 भी शुरू करता हो तो वो भी तुम्हारे ही होता, मैं क्या बोलूँ तुम्हारे लिए यार, माशाल्लाह से तुम लोगों ने जो काम किया है इस सीजन में, EPCL की अभी हम बात कर रहे थे, EPCL की मेरे ख्याल में तो बहुत कम ऐसी टीमें होंगी जो इस कंसिस्टेंसी से पूरा सीजन जीता है उन्होंने, तो बहुत सारी तालियां शायान लगे के लिए बहुत सब। और अगेन आप सब लोगों की अंत तक मेहनत है, फरद भाई ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए बोल दिया, मलिक साहब ने बोल दिया, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि
अच्छा हाँ प्राइम में तो मैं भी हूँ यार, नहीं फाइनल की मुश्किल है तुम्हें ये कैसे मैं मगर देना पड़ेगा दुआ, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें ठीक है कि सेमीफाइनल में नहीं फाइनल में मुलाकात हो आपसे। हाँ दादा तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेज और उम्मीद करता हूँ कि ये सीज़न आप उसी डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे। और मेरे ख्याल में डिसिप्लिनिंग कमेटी के मेंबर की तरफ से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों की कोई एक सिंगल कंप्लेंट ई पी सी को नहीं मिली, सही कहा ना मैंने, तो इसके लिए भी आप सब लोग जिम्मेवार हैं कि आप लोगों ने किस डिसिप्लिन के साथ, किस मोटिवेशन के साथ, किस डेडिकेशन के साथ खेला और उसका नतीजा सबके सामने। तो मेरे ख्याल में ये मिसाल दी जा सकती है कि अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो आप जी सकते हैं। गेम होता है मगर जिस स्पिरिट के साथ वो खेला जाए वो गेम की बात। बात पर बहुत शुक्रिया तारिक साहब, मेरे ख्याल में आप पहली एंट्रेंस है आपकी ई पी सी में शायद है ना, तो आपने सही जगह पैसा लगाया बिल्कुल, और इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा और पार्टी के बाद मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रूर बताऊँगा, मुझे आप लोगों के लिए गाना याद आ रहा था, गाऊँगा नहीं सिर्फ बताऊँगा कि बादलों से ऊँची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी, तो ये आप लोगों ने साबित किया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं उस हस्ती को स्टेज पर बुलाऊंगा जिन्होंने मुझे उंगल से पकड़ कर क्रिकेट खिलाना सिखाई, जब मैं शायद क्रिकेट को छोड़ चुका था 7 ईयर की, जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी तो मैंने आगे जब सऊदी अरब में आया तो मैंने दोबारा स्टार्ट की यहाँ पर, तो मुझे क्रिकेट में ईपीसी में लाने वाले जो अहम शख्सियत हैं उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मैं स्टेज पर भी बुलाऊँगा, वो स्टेज पर भी आएंगे और अपने ख्याल का इजहार करेंगे। कौन हो सकते हैं? शाहिद भाई, शाहिद भाई के लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, ये मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी, क्योंकि मैंने इनसे ही क्रिकेट खेलना सीखी है, तो इनका बहुत शुक्रिया। अपने ख्याल का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इस नसीब का, जो मैं बस क्या वर्ड यूज़ करूँ, ये हमेशा मेरे साथ है और मैं शायन इलेवन के साथ हूँ, एवरीबॉडी वो बहुत है और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने हमेशा मुझे बहुत ऑनर दिया है, इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन बारह इन लोगों की मेहरबानी है। और अगले तमाम सीजन्स के लिए, सीज़न के लिए नहीं सीजन्स के लिए, आगे जितने भी सीजन आते हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे आप लोगों का नाम हो, मेरी दुआ है पर्सनली हर किस्म की सपोर्ट के लिए एवरी टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी टीम के हालिया कोच जाकर भाई दावत होगा, अपनी स्टेज पर आएंगे और कुछ अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे। तमाम तर तरीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हर जीरो का पालने वाला है, और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जो मजहर तख्लीक कायनात है। सबसे पहले तमाम आने वाले मेहमानों, मेज़बानों और मेरे सितारों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई बात अब ऐसी रही थी जो कि मैं बोलूं, तो सिर्फ एक बात है वो ये कि आपको कोई भी सक्सेस की हमेशा हार्ड वर्क करनी है, आपने उस पर तवज्जो देनी है और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी टीम आगे भी चैम्पियन निकलेगी। आपने हमारे सर फखर से बुलंद किए, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें और नवाजेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत, देयर इज नो मैटर ऑफ सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। तो अभी क्योंकि टाइम की शदीद किल्लत है तो ये मेरे सितारों की नज़र, एक हल्की सी नज़म मेरे पटवारी पंजाबी लिटरेचर से ली हुई, क्योंकि मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, कभी कभी बीच में इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, तो ये मेरे पटवारी और पंजाबी लिटरेचर से आपकी नज़र, खसूसी तौर पे मेरे सितारों की नज़र, शायान दे मुजद अफताब पाई, शायान दे मुजद अफताब पाई ते शायान चमके आफताब वांगो, नसीम सहर दी बाते नसीम सुंदर,
नसीम सहर दी बादे नसीम सुंदर, क्योंकि कप्तान और नायब कप्तान से मैं शुरू कर रहा हूँ इसलिए कि हमारी टीम में दो फैसले। नसीम सहर दी बादे नसीम सुंदर, फैसल चमकदा हर था मताब वांगू, दूजा फैसल शकील इंसान सोना, दूजा फैसल शकील इंसान सोना, मैदान विच खिड़े गुलाब वांगू, फरान फरत दी मस्ती विच गुल समको। फरान फरत दी मस्ती विच गुम सुम गुम, और एक हमारा प्लेयर जो आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है, तेरफान दा बल्ला किसा। जीशान ते बदर बहादरी विच, जीशान ते बदर बहादरी विच ते सीन सकंदर दी गरज। आज हमारे दरमियान नहीं है, वो खेल नहीं रहे, उनके लिए ते मन्नू लाल दी बाल खिलाड़ियां ले, मन्नू लाल दी बाल खिलाड़ियां ले, अल्लाह कसम मैं निरे अजाब वांगू नहीं मजा विच मस्ती नु कायम रखता, नहीं मजा विच मस्ती नु कायम रखता, अरशद विकटां ते झपटे उका वांगू। नबील खिजर सकलैन, शार्ट कर रहा हूं, नबील खिजर सकलैन इकरार इमरान, पंजे सफ विच मिसल जवाब वांगू, ते आखरी आखर में जो इसके आखरी कथा जो है, महरम फहद विच टीम दी जान सारी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, आप सब मेरी जान हो, लेकिन फहद के लिए, मैरम फहद विच टीम दी जान सारी, सोनी जित देंदा हे खताब वांगू, हे खताब वांगू, हे खताब वांगू। थैंक्स फॉर आई यू स्पेशली ऑल गेस्ट प्लीज। अब आखिर पे एज ए कैप्टन अपनी टीम को, मैं पूरी टीम से मराद सिर्फ मेरे 11 या 12 या 16 जो मेरे साथ खेल रहे हैं, वो नहीं, वो लोग भी हैं जो लोग गर्मी में भी सर्दी में भी हमें सपोर्ट करने के लिए खाली बाहर आकर हमारा मैच देखने के लिए कि हमारे प्लेयर किस तरह खेलते हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का जो आज भी यहाँ पे तशरीफ लाए अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर। थैंक यू वेरी मच सब के लिए, तालियां सब के लिए। उसके बाद हमने पीपीसी के एक्ट काम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि शायन आलम जब 4 साल से स्ट्रगल कर रही थी, आफ्ताब भाई गोगे इजरी की वजह से हमारे साथ छोड़ चुके थे, हम अकेले थे और ईपीसी ने हमें सपोर्ट किया, बेहद मशहूर हुई ईपीसी की पूरी टीम का, जिन्होंने हर मौके पे फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे अंपायरिंग सपोर्ट हो चाहे वो कोई भी कमिटमेंट हो, और उसके बाद उन्होंने खास हमारे प्लेयर्स को मौका दिया कि जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं इंटरसिटी के, हमारे प्लेयर्स को खास मौका मिला, और माशाल्लाह हमारे प्लेयरों ने वो अच्छा परफॉर्म करके भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जीती भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आजकल जिसके बगैर क्रिकेट हो या कोई भी इवेंट हो उसके बगैर अधूरा लगता है और उसकी रौनक नहीं होती, तो वो मीडिया टीम है हमारी ईपीसी की, जिनमें हमारे यूपीसी मीडिया के हेड है आमिर भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने किसी वक्त में से आज भी टाइम निकाल कर आए, क्योंकि आजकल टीमें अपनी किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं और बहुत सारी टीमें आज भी इनको बुला रही होंगी और आज ये अपने कीमती वक्त में से टाइम लगाए, क्योंकि इन्हें पता है कि शायन रामन की अपनी टीम है, और जब शायन रामन बनी थी इब्तदा हुई थी पहली रखी गई थी उस वक्त भी शाहिद भाई आमर भाई वहीद भाई नदीम भाई रिजवान भाई और सवान भाई इन लोगों ने मिलके हमें शायन रामन बनाकर दी थी, हद तक कितने भी इन्हें हमें दी थी बॉल भी अपने बैट भी दिए कि हाँ बेटा आप लोग खेलो आप लोग स्टार्ट करो, तो बहुत शुक्रिया इनके लिए, तालियां होंगी सबके लिए। उसके बाद हमारे साथ जब ज्वाइन किया था हमने टीम बनाई थी तो हमारे कैप्टन थे उमैर भाई, और वो तो आजकल हमारे साथ नहीं है, वो अपनी एक नई टीम के साथ है, लेकिन उनका भी ध्यान मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें 2 साल तक सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया उमैर भाई, थैंक यू वेरी मच।
उसके बाद हमारी मीडिया टीम में हमजा भाई हैं, दादा हैं, उमैर भाई हैं और एक दो लड़के और इंशाल्लाह मजीद हमारा ईपीसी का जो मीडिया है और अप्रूव होगा और हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों से आपको लाइव मैचेस दिखाएं, जिस तरह पहले भी हम T20 भी दिखा रहे थे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि T20 मैचेस भी हम आपको लाइव अपने चैनल से दिखाएंगे। बस ईपीसी या ईपीसी से जितने भी रिलेटेड, जैसे ईपीसी कह देते हैं तो ईपीसी एक फैमिली है, इसमें अब 54 क्लब हैं, 54 क्लब में सिर्फ 16 प्लेयर नहीं होते एक क्लब में, आई थिंक 16 के साथ 16 लोग और जुड़े होते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि कम अज कम ये 1300-1400 बंदा बनता है। और हमारे आमिर भाई 2 साल से लाइव मैचेस चला रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने जो उस तरह शुरू किया है फेसबुक के ऊपर, 2 साल से आमिर भाई लाइव मैचेस चला रहे हैं और अभी तक हमने अब जाके 1K किया है। तो मेरी जितने भी यूपीसी के फैमिली है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब आमिर अब्बास ब्लॉग को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, दुमान क्रिकेट फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करें। तो आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमें बिलौज खिदमत है हमारी, हम लोग आपके लिए सिर्फ आते हैं, हमें मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, हमें अपनी ईपीसी क्रिकेट के साथ मोहब्बत है कि हम अपने कीमती वक्त में से गर्मियों में भी सिर्फ आप लोगों के मैचेस सुनाने के लिए वहां जाते थे। और आप लोग इतना भी ना करें कि आप लोग हमारे चैनल्स को इम्प्रूव के लिए सब्सक्राइब या अगर फॉलो ना करें तो ये तो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों का जो आपने कीमती वक्त से टाइम लेकर आए। और आखिर मैं अपनी टीम के लिए कहूँगा कि जिस तरह लड़कों ने पिछले साल मेहनत की, स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी टीम के 3-4 जो पिलर थे मेरे साथ हमेशा हर वक्त में खड़े थे, उनमें फैसल भाई हैं, फैसल महमूद, शुक्रिया फैसल भाई, उनके लिए तालियां फैसल महमूद, जो वो बता जिसने मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया और मोरल भी, और ग्राउंड में इन्होंने माशाल्लाह की परफॉर्मेंस, जब ये बॉल करते हैं तो माशाल्लाह कमाल बैटिंग करते हैं, तो भी जहाँ पे कुछ रहा तो अच्छी बैटिंग करते हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली जिंदगी दे और इसी तरह खेलते रहिए, तालियां इनके लिए, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। उसके बाद चौधरी सकलैन गुर्जर साहब जो अलहासा से तशरीफ लाते हैं, सकलैन गुर्जर साहब जो सिर्फ हासा से तशरीफ लाते हैं और हमारे हमारी टीम के ओपनर हैं, लेकिन T20 और 40-40 में जबकि फरहान हमारे साथ खेला था और फाना जब हमने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह फरहान ने और फाना ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की T20 में भी और 40-40 में भी, और सकलैन भाई बैठ कर बाहर बेंच में इंतजार करते रहे कि मेरी टीम जीत रही है, मुझे खुशी है कि मेरी टीम जीत रही है, मैं आशा से भी आता हूँ, बेशक मुझे बाहर बिठाते हैं आप लोग लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, इस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह T10 में जब मैनेजमेंट ने इनको मौका दिया और इन्होंने परफॉर्म किया और T10 के हमारी एशियन 11 के टॉप स्कोर है, वेल डन सकलैन भाई, बहुत शुक्रिया। इसी तरह अगर मैं अपनी टीम के वाइस कैप्टन फहद को फहद का नाम डालूँ तो ये की ज्यादा होगी, ये टीम में फर्द वाहिद है, ये कूल में काम रहते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, तालियां होगी फहद के लिए, एक्सीलेंट फहद, आई होप कि इंशाल्लाह जिस तरह आपने पिछला साल मेरे साथ साथ दिया, इंशाल्लाह आई होप कि आने वाले साल में भी आप इसी तरह मेरे साथ रहेंगे, और जिस तरह माशाल्लाह मेरे लड़कों ने पिछले साल मेहनत की, हार्ड वर्क किया और फोकस जस्ट ऑन क्रिकेट, नथिंग मोर देन इट, आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह एक ओवर खेली क्रिकेट टीम शायर लेवल की, इसी तरह नेक्स्ट ईयर में भी हम कोशिश करेंगे प्राइम में एक ओवर खेलेंगे, क्योंकि अच्छी टीमें होंगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे प्राइम की टीमों को भी, जिस तरह माशाल्लाह मेरी टीम एक ओवर खेल रही है, इस तरह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस तरह अच्छा खेलेंगे। तो उससे इसी के साथ मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करता हूँ और इंशाल्लाह हम इसके बाद अपनी जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनके लिए हमें अवार्ड रखे हैं, उसके लिए मैं दावा दूंगा फर साहब को और इम्तियाज मेरकर साहब को, प्लीज आप स्टेज पर आए और फर साहब प्लीज।
खाने का इंतजाम है तो इधर का आगाज करेंगे, सब लोग सीटें एडजस्ट कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर मीडिया के लिए।